भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ करीब 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ बने प्राचीन मंदिरों का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कई विदेशी हमलों के बाद यहाँ का खजाना लूट लिया गया। हालांकि इसके बाद भी यहाँ के मंदिरों में आज भी लाखों करोड़ों रुपए के खजाने का भंडार मौजूद है। हमारे देश में ये मंदिर लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने और अपनी मन्नतों को पूरा करने आते हैं। इन मंदिरों में हर साल करोड़ों या कहें अरबों का चढ़ावा आता है। इनमें पैसा ही नहीं, सोना, चांदी, हीरे और कई बेशकीमती चीजें होती हैं, जिन्हें श्रद्धालु भगवान के चरणों में समर्पित करके जाते हैं। आइए जानें आखिर कौन से ऐसे मंदिर हैं जिनका खजाना हीरो, जवाहरात और रुपयों से भरा हुआ है। इन मंदिरों में एक आम इंसान से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है। नंबर 10, सबरीमाला अयप्पा मंदिर। केरल स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर महिलाओं के जाने पर बैन के कारण चर्चा में आया था। क्या आप जानते हैं ये देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस मंदिर में हर वर्ष करीब 10 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बना हुआ है। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले यहाँ भक्त हर साल करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। माना जाता है कि हर साल इस मंदिर में करीब 250 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, जिसमें सोने चांदी के अलावा रुपए होते हैं। नंबर 9, मीनाक्षी मंदिर मदुरे। दक्षिण भारत में स्थित मीनाक्षी मंदिर देश के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर में रोज 20 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में दान करते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां हर वर्ष करीब 6 से 7 करोड़ का चढ़ावा आता है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये पुराने समय से देश के सबसे अमीर मंदिरों में आता है। ये भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर 17 बार हमला कर इसे लूटने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि गजनवी के आक्रमण के दौरान इस मंदिर की सीढ़ियां तक सोने की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर में हर वर्ष 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। नंबर 7, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। वाराणसी स्थित भगवान विश्वनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर के कारण ही वाराणसी या बनारस देश के साथ साथ विश्व के भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में प्रमुख स्थान रखता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसी कारण इसे शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में हर वर्ष 50 लाख से ज्यादा देशी और लगभग 2 से 3 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। इस मंदिर में हर वर्ष 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। मंदिर में 3 गुम्बद हैं, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। नंबर 6, जगन्नाथपुरी ओडिशा। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। समुद्र किनारे स्थित इस मंदिर के कई चमत्कार हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त यहां आकर दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और हर भक्त की मनोकामना पूर्ण भी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर में करीब 100 किलो सोना और चांदी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए का कैश हर वर्ष यहां पर चढ़ता है। नंबर 5, माता वैष्णो देवी मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर भी भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंदिर में हर वर्ष करीब 500 करोड़ रुपए की आय होती है, जिस कारण ये देश के सबसे अमीर मंदिरों में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने पर
बड़ी संख्या में दान देकर जाते हैं। नंबर 4, शिरडी साईं बाबा। शिरडी स्थित साईं बाबा का मंदिर धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ भी हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंदिर के बैंक अकाउंट्स में करीब 380 किलो सोना, 4000 किलो चांदी, विभिन्न देशों की मुद्राएं, डॉलर और पाउंड बड़ी मात्रा में जमा हैं। साथ ही यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए का कैश भी जमा है। यहां सालाना भक्तजन करोड़ों रुपए का दान करते हैं। माना जाता है कि हर साल यहां पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान आता है। नंबर 3, सिद्धि विनायक मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त और विभिन्न सेलिब्रिटी दर्शन को आते हैं, जो यहां बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस मंदिर में 3.7 किलोग्राम सोने की कोटिंग है, जिसे कोलकाता के एक व्यापारी ने दान दिया था। इस मंदिर में हर वर्ष करीब 125 करोड़ रुपए का दान आता है, जिसमें बड़ी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण भी होते हैं। नंबर 2, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। देश के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में ये दूसरे स्थान पर है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। ये मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिदिन लाखों रुपए का चढ़ावा और हर साल यहाँ लगभग 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान आता है। इस मंदिर के पास लगभग 9 टन सोने का भंडार और 14,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट हैं, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस मंदिर के एक साल की कमाई ही 100 से 200 करोड़ रुपए आंकी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हर दिन 1,00,000 श्रद्धालु आते हैं। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में पहले स्थान पर है। ये मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर वर्ष 2011 से तब चर्चा में आया जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया और इन दरवाजों से बेशुमार मात्रा में सोने, हीरे और बहुमूल्य जवाहरात मिले, जिनकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर आंकी गई है। इस मंदिर के 7वें दरवाजे खोलने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दी है। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा खजाना यहीं पर रखा है। इस मंदिर की देखरेख त्रावणकोर राज परिवार द्वारा की जाती है। मंदिर के खजाने से बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, 18 फीट लंबी सोने की जंजीरें और गहने मिले हैं, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। इस मंदिर के गर्भगृह में बताया जाता है कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, जिसकी कीमत ही 1,000 करोड़ रुपए है। इनमें से आप कौन से मंदिर में गए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम।